नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर और हमारे गार्डनिंग चैनल के ऊपर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अमरूद की एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप गमले में ग्रो कर सकते हैं और इजीली आपको फ्रूटिंग करेगा। और ये साल में 2 बारी फ्रूटिंग करता है। देखिए किस तरह गमले के अंदर अमरूद आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह बड़े बड़े अमरूद हैं इसके अंदर। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स बताएंगे और इस वैरायटी का नाम बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रूटिंग के साथ साथ इसके ऊपर छोटे छोटे जो है फ्लावरिंग के बर्ड्स भी आने शुरू हो चुके हैं, और कुछ बर्ड्स हैं जो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार की आपने मिट्टी तैयार करनी है अमरूद के प्लांट के लिए। ये देखिए आपको मैक्सिमम जो है फ्रूटिंग के बर्ड्स दिख जाएंगे हमारे अमरूद के प्लांट के ऊपर। ये प्लांट हमने तकरीबन 6 महीने पहले लगाया था। ये देखिए आपको हर एक टहनी के ऊपर जो है फ्रूटिंग का बर्ड्स देखने को मिल जाएगा। अमरूद के प्लांट को लगाने के लिए आपको जो है एक जो गार्डनिंग सॉइल है उसका मिक्सचर तैयार करना है। गार्डनिंग सॉइल के अंदर आप जैसे अमरूद का प्लांट ये देख रहे हैं, इसके ऊपर बर्ड्स भी आ रहे हैं। देखिए किस तरह इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावरिंग के बर्ड्स फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने के लिए आ रहे हैं। मैक्सिमम आपको मेरे अमरूद के प्लांट की हर एक टहनी पर आपको जो है फ्लावरिंग के बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपने अमरूद के प्लांट के वो लगाने के लिए सबसे पहले जो करना है, एक आइडियल सॉइल है जो उसका इस्तेमाल करना है। गार्डनिंग सॉइल आप लीजिए, 50% जो है गार्डनिंग सॉइल का इस्तेमाल कीजिए आप उसको लगाने के लिए। कहीं किसी भी प्रकार की मिट्टी का आप यूज कर सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई खाली जगह है वहां से मिट्टी ले सकते हैं। देखिए अमरूद का साइज चेक कीजिए, कितने बड़े साइज के अमरूद हैं। ये देखिए काफी बड़े साइज का अमरूद है। अप्रोक्स अप्रोक्स ये 250 ग्राम का अमरूद होगा। तो इसके लिए आपने 50% जो है गार्डनिंग सॉइल और 30% वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन कर लिया है। साथ में थोड़ा सा पोटाशियम जरूर डालें क्योंकि ये फ्रूटिंग का प्लांट है, इसके अंदर जो पोटाशियम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो थोड़ा थोड़े से दाने पोटाशियम के जरूर डालें, या लिक्विड आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो पाउडर फॉर्म के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है थोड़ी मात्रा के अंदर बालू मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, जिसके अंदर रेत मिली होती है उस वाली मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए। इन तीनों चारों चीजों को मिक्स करके आप रखें। और ये देखिए इस तरह छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं और अपने प्लांट को तकरीबन तकरीबन इस तरह के, ये हमारा 18 इंच का गमला है, सीमेंटेड पॉट है जिसके अंदर हमने इसको ग्रो करा हुआ है। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है। अब जैसे कि मानसून का समय है, बरसातें पड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, सराउंडिंग सारी जगह बरसात हो रही है। मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस लोकेशन पर रहता हूँ, उसके आसपास सारी जगह बरसात हो रही है। तो आप ये समय है बहुत ज़्यादा उपयुक्त अमरूद के प्लांट को लगाने के लिए, तो आप उसको भी ग्रो कीजिएगा जिस प्रकार से मैंने बताया है। तो वेल ड्रेन गमला होना चाहिए। अमरूद के प्लांट को आप अगर लेकर आ रहे हैं मार्केट से, तो आप ग्राफ्टेड लेके आइएगा, उनको कह के कि हमने गमले में लगाना है, तो वो उसी हिसाब से नर्सरी वाला आपको प्लांट देगा। और आप इन तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके वेल ड्रेन गमले के अंदर, इस प्रकार के गमले के अंदर, इस तरह से इसको लगा दीजिएगा। और इसको ओपन टेरेस पे रखिएगा जहाँ पर इसको खुली धूप मिलती रहे, और गर्मियों में वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाटरिंग 2 समय मांगेगा ये, क्योंकि तो प्लांट नया है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो आप अपने इस प्लांट को लगाइए। देखिए दोस्तों, हमारे
गार्डन के ऊपर एक ये कुकी रहती है और इसकी साउंड सुनिएगा, देखिए कितनी मधुर साउंड कर रही है। और बात करें तो केयर की, इसकी केयर के लिए बेसिकली आपको, जैसे अभी मानसून चल रहा है, बरसातों का टाइम चल रहा है, तो आपने अपने इस प्लांट की मिट्टी की हफ्ते के बाद गुडाई करनी है। ये देखिए नमी बरकरार है इसके अंदर, हमारे प्लांट के अंदर मिट्टी गीली है, तो इसमें अभी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, शाम को करेंगे वाटरिंग इसके अंदर। और ये देखिए बर्ड, देखिए किस तरह आ रहे हैं इसके अंदर। अगर आपके प्लांट पे किसी प्रकार की कीट वगैरह की समस्या आती है तो उसके लिए आप इसके ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से ही फर्टिलाइजर मेडिसिन का ही उपयोग कीजिए। फर्टिलाइजर इसके अंदर गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट को आप एड ऑन कीजिएगा, जिससे कि ये फ्रूट हमने खुद ही खाना है और हम अपने टेरेस पे इतनी मेहनत करके इसको ग्रो कर रहे हैं, तो इस प्लांट के लिए हमें बेसिकली ऑर्गेनिक तरीके से ही इसको ग्रो करेंगे, सीडिंग करेंगे इसके लिए, तो हार्मफुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमने किन किन चीज़ों का अपने प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करा हुआ है। तो आप 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन करते रहिएगा। ऐसा करने से आपका जो अमरूद का प्लांट है बहुत जल्दी कुछ समय के बाद फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर बर्ड्स आने लग जाएं इस प्रकार से, जैसे आप ये देख रहे हैं हमारा तो प्लांट मैच्योर हो चुका है, तो आपने वाटरिंग का पूरा ध्यान रखना है। देखिए फुल मैच्योर प्लांट है हमारा और ये फुल साइज में, फुल आपको व्यू दिखा रहा हूँ अपने इस प्लांट का, ये देखिए पूरा है साइज इसका। और इस अमरूद के प्लांट के पत्ते भी काफी बड़े हैं, आप देख रहे होंगे, नोटिस करा होगा आपने वीडियो के अंदर, ये देखिए काफी बड़ा पत्ता है। और कीट वगैरह की कोई समस्या आती है आपने, तो इसके अंदर आपने जो है हल्दी को पानी में मिक्स करके या काली मिर्च के वो पानी में मिक्स करके अपने अमरूद के प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, और ऐसी जगह पे रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको धूप भी मिलती रहे और इसको हवा भी लगती रहे। समय समय पर इसकी गुडाई करते रहिएगा, इसको पोटाश की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा पोटाशियम इसके अंदर डाल दीजिएगा, नहीं तो एक और फर्टिलाइजर है बोन मिल, बोन मिल को ऐड ऑन कर सकते हैं। बोन मिल बहुत ज़्यादा सहायक रहता है आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट को जल्दी ग्रो करने के लिए। देखिए किस तरह फ्रूटिंग हो रही है इसके अंदर, तो ये चीजें ऐड ऑन कीजिए आप इसके अंदर और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बेसिकली प्लांट की ब्रीड के ऊपर। तो अब इस टॉपिक पे आते हैं, ये प्लांट जो है आपने नर्सरी वाले को कह के लेना है ग्राफ्टेड प्लांट चाहिए या एयर लेयरिंग से तैयार करा हुआ प्लांट चाहिए, उसको हमने गमले के अंदर ग्रो करना है। तो ये जो स्क्रीन पे आप अमरूद देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है ताइवान मिड साइज गुआवा, और ये आपको बहुत ही बम्पर संख्या के अंदर फ्रूटिंग करता है, और इसके जो फ्रूट का साइज है आप देख ही रहे हैं काफ़ी बड़ा रहता है। मैंने जैसे कि आपको बताया ये अप्रोक्स 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम के आसपास है, और ये खाने में पूरा मीठा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो फुल साइज का आता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, उसके अंदर थोड़ा मिठास कम होती है। और ये पिंक ताइवान गुआवा है, पिंक कलर का निकलेगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद होगा। तो आप लोग भी गार्डन्स के अंदर, अगर आपके पास जगह की कमी है तो पॉट्स के अंदर, सीमेंटेड पॉट में, प्लास्टिक के पॉट में, या मिट्टी के पॉट में, या इस प्रकार से आप ड्रम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपने इस प्लांट को लगाना है। बस आपने जब भी लगाना है तो इसको बड़े पॉट के अंदर ही लगाना है, जिससे कि आपका जो प्लांट है काफ़ी स्वस्थ चलेगा। और सर्दियों के अंदर भी ये फ्लावरिंग करता है, समय समय पर आप अपने इसकी लीव्स की प्रूनिंग करते रहिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर थोड़ा सा गमले को कंट्रोल करने में मुश्किल आती है। हमने इस प्रकार से, देखिए गमला ग्रिल के पास रखा हुआ है, और इस तरह से हमने
तार से इसको बांधा हुआ है, देखिए तार देख रहे हैं, जिससे कि आंधी तूफान चलता है तो हमारा गमला टूटता नहीं है, स्टेबल रहता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और वीडियो के अंदर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। बाय बाय।